का तो मैं श्योर ही था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था और आपने कहा भी था अपने डिस्कशन में लास्ट टाइम कि अब जेके पीएससी की रैंक की कसर मैं यूपीएससी में निकाल लूंगी। Whatever you have given me, na, that's something which I cannot express in words. कि आप क्विंटेसेंस कब आएंगे और हमसे कब मिलेंगे? Anytime, whenever you call me, I'm there. तो सर, इट गोज टू योर क्रेडिट, प्लीज कीप डूइंग गुड वर्क। एंड बच्चों को भी, जो बच्चे सर से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आई थिंक यू आर अ ग्रेट मोटिवेशन, अ गुड मेंटर। तो मुझे लगता है सर, प्लीज आप भी बच्चों को इसी तरह से मोटिवेट करते रहें। हेलो प्राजिता, बहुत खुश हुआ मैं आपका नाम देखकर। आई वाज वेटिंग फॉर योर मैसेज। हर साल कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम ऐसा बता पाते हैं कि यू नो, उनका नाम देखकर थोड़ा फख्र महसूस होता है कि नहीं, ऐसे लोग अगर सिलेक्ट होंगे तो फिर सब ठीक है। थैंक यू सर, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। एंड मुझे ऐसे लगता है आपके साथ मतलब मींस जेकेपीएससी के टाइम पे एक्वेंटेंस हुई थी, बट Whatever you have given me, na, that's something which I cannot express in words. There are very few people in my life who I consider as my mentors, and you're one of them. Thank you so much. मैं कल ही क्लास में आपकी एग्जांपल दे रहा था along with मनान और हुजैफ की, कि I told them about कि how with the right intentions and the right reason you can also get selected. ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई ऐसा जुगाड़ ही मरना है, एक इंसान सही तरीके से भी सिलेक्ट हो सकता है इसमें। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, तो मैं श्योर ही था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था और आपने कहा भी था अपने डिस्कशन में लास्ट टाइम कि अब जेके पीएससी की रैंक की कसर मैं यूपीएससी में निकाल लूंगी। वो भी नहीं हो पाया। नहीं, चलो बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर बींग होप एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you, sir. Thank you so much. हमने कल स्टूडेंट से पूछा कि वो क्या आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे, तो मैंने पूरा लिस्ट बनाया है। आई होप कि हम सारे डायमेंशंस कवर कर ले और बच्चों को सारा गाइडेंस मिल जाए इसमें। सबसे पहले, आपने, यू आर वन ऑफ दोज यू नो ऑफिसर्स जिन्होंने केएस और आईएस दोनों क्वालिफाई किया है, तो पहले थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए इसमें कि क्या आपको लगा। Sir, I think मेरे लिए जो work किया है, what worked for me is that I never considered them different. मतलब my strategy has been consistent for both the prelims, for both the mains, and for both the interviews. Obviously, when I because I my first milestone was JKPSC and the second one being the UPSC, the quantum and the intensity of my working, and I became more meticulous on the way. But I would never say ki my hard work for JKPSC was any less than UPSC, considering the kind of papers JKPSC is also setting now and the kind of papers they are also matlab putting. Mujhe aise lag raha hai ki same kind of hard work is required. Jo bachche abhi ye sochenge ki hum agar ek scale, ek notch level less pe prepare kar lete hain JKPSC ke liye, to sir, that's going to be difficult, because sir, we can clearly see from my batch last year also 7-8 students cleared UPSC, this time also they cleared, and the next batch also they are also doing the same. So clearly the children are having potential at par with UPSC. So if we are thinking ki hum JKPSC mein thoda kam padh ke chale jayenge, that's not going to help sir, mere hisab se. केएस में जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग डिफरेंशिएटर बिटवीन दीस टू एग्जाम्स, तो वो जेके वाला पार्ट कैसे कवर किया आपने? सर, फॉर मी आई वुड से सर, आई वाज वेरी क्लियर विद माय अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम कि व्हाट आई हैव टू फोकस ऑन एंड व्हाट आई कैन लीव और डू नॉट आई कैन मैनेज. तो सर, जेएनके वाज नॉट अ बिग प्रायोरिटी इन माय लिस्ट. इंटरव्यू के टाइम पे इट वॉज अ बिग प्रायोरिटी, बोथ इन जेकेपीएससी इंटरव्यू एंड यूपीएससी इंटरव्यू. जेएनके मेरा टॉप प्रायोरिटी था कि मुझे पढ़ के जाना है, बट व्हेन इट वॉज अबाउट प्रीलिम्स और मेंस, मैंने उसको थोड़ा सा बैकफुट पे ही रखा था, बिकॉज आई वॉज सर, कौन सा बच्चा सिलेक्ट हो रहा है जिसके 50% मार्क्स आ रहे हैं टोटल में? तो डेफिनेटली यू विल हैव टू चूज योर कोर एरियाज कि व्हाट यू हैव टू फोकस, व्हाट विल फेच यू गुड मार्क्स, एंड व्हाट यू कैन लीव एंड डू, मतलब यू कैन स्टिल डू विदाउट इट. तो जैसे मेरे लिए जेएनके तो प्रायोरिटी नहीं था इंटरव्यूज के अलावा, मैंने तो सर छोड़ दिया था उसको. यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बच्चा जब पहली बार ये प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको हर एक चीज इम्पोर्टेंट लगता है,
तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे रुकना कहाँ पर है? सर मुझे लगता है कि ये ना सर हर एक बच्चे की ना अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो चाहती नहीं हूँ कि ये सब बच्चे जो हैं ये सब टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो करें या मुझे भी करें फॉर दैट मैटर, बिकॉज एवरी पर्सन इज सो डिफरेंट सर. हर बंदे की स्ट्रैटेजी इतनी डिफरेंट होती है और वो ना सबको खुद समझ आ जाता है सर. थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है. मैं बस ये बोलती हूँ सबको कि व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर बुक्स ना, व्हेनेवर यू आर रीडिंग, थोड़ी देर में यू विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जैसे मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स जो कभी नहीं पढ़े हुए. तो सर सबको अपनी अपनी स्ट्रैटेजी ना खुद ट्वीक करनी पड़ती है. कुछ बच्चे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, उनके लिए जीएस थोड़ा सा इजी होता होगा. तो आप मतलब इक्वेट नहीं कर सकते कि हाउ यू शुड गो अबाउट इट. मेरे को लगता है द राइट स्ट्रैटेजी इज स्पेंड इनफ टाइम विद योर बुक्स टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या वर्क करता है. ठीक है, आपने सर्विस प्रेफरेंस क्या दिया था यूपीएससी में? IAS, IPS, IRS, Customs and IFS. हाँ सर, मेरे को लगा कि आई फेल्ट दैट आई डिड नॉट हैव द गट्स एट द मोमेंट टू गो फॉर IFS. मे बी द नेक्स्ट जनरेशन माइट ऑप्ट फॉर दैट. ठीक है, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए सबको. यस सर. सर आई हैव डन कॉमर्स इन माय 12th स्टैंडर्ड. आफ्टर दैट आई परस्यूड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड देन आई subsequently pursued masters in economics, that too from University of Jammu, and then I started preparing for civil services. So you started preparing after your master's exam or graduation say? No sir, after my master's. When I was in my graduation, my brother cleared UPSC, so it was in the making that maybe after mera sir tha, meko teaching mein bhi tha thoda sa ki I could go for PhD also, because meko lagta tha ki UPSC is a tough nut to crack. So I was never that confident कि I'll go for UPSC. So I just wanted to have a थोड़ा सा अपने आप को मैं थोड़ा सा और education wise strong बनाना चाहती थी. Graduation के बाद मैं नहीं छोड़ना चाहती थी because एक technical degree नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा higher education pursue करूँगी तो it will be beneficial for me. But eventually sir मैं जब masters कर रही थी, I had made up my mind. Seeing my brother into the service ki nahi yaar, this is where my liking is and nothing less than this I would like in my life. Toh phir sir uske baad I started. So your brother is in which service? Sir, he is in IRS and right now serving in Enforcement Directorate. Okay. Achha, he might be the person jisne aapko journey mein guide kiya hai, I guess. Yes sir, he being the prime motivation. Also my mamu is in he was an IAS officer, so he was also an inspiration. My mosaji is an IP, he was also IPS officer, so I've seen in my family, so they were the motivation. But when my brother cleared it, it made very serious meko motivation aa gaya ki nahi nahi ab ye achievable target hai, kar sakte hain. But at the same time I would like to say this to everyone who's watching this, you don't need to see people so close to yourself ki agar ye hain to hi main kar sakti hun. What happened in my case, Jammu Kashmir se itne bache aajkal aa rahe hain, that is itself something which should give all of you that confidence ki hum sabhi kar sakte hain, and it's not a very big thing to achieve. मुझे ऐसे लगता है ऑल यू नीड इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रिट एंड डिटरमिनेशन. तो आपका पर्सनल, जैसे आपने कहा कि अलग अलग बच्चे अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर पाते हैं, उनका अपना एक यूनिक तरीका होता है पढ़ने का, व्हाट वर्क्ड फॉर यू? सर माय स्ट्रेटजी फॉर बोथ द मेंस वाज डिफरेंट. व्हेन आई वाज गोइंग फॉर जेकेपीएससी आई वाज न्यू टू द प्रिपरेशन फॉर मेंस. पहले मैं मेंस का बता देती हूँ. So I was new to mains ka strategy. So what I focused there was I thought ki main optional acche se karungi, ethics acche se karungi aur essay acche se karungi. Essay pe maine zyada focus nahi kiya because I had a mere ko aisa lagta tha ek gifted instinct hai writing ke liye, to mera essay part strong tha, maine us pe work nahi kiya.
ऑप्शनल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा. वेयर एज इन यूपीएससी दैट वाज माय सेकंड मेंस आफ्टर, मतलब पहला जेकेपीएससी वाला पहला मेंस था, यूपीएससी वाला सेकंड मेंस था, दो ही मेंस लिखे हैं सर. तो यूपीएससी के टाइम पे आई थॉट कि ओके नाउ मैंने ऑप्शनल अच्छे से कर लिया हुआ है, नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो अ फर्दर स्टेप हायर एंड आई विल प्रिपेयर फॉर जीएस. तो इस बार मैंने जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस किया और ऑप्शनल मेरा मोर और लेस रेडी था, तो मैंने उसको थोड़ा सा बैक फुट पे डाल दिया. बट मोस्टली मुझे लगता है बच्चे ऑप्शनल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं. मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट रहा है इस बारी, क्योंकि मुझे था कि मेरे अगर मार्क्स कटेंगे तो जीएस में कट जाए, तो मैंने उसका बहुत ज्यादा किया. प्लस मुझे लगता है मैंने मॉक्स बहुत लिखे हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए. प्रीलिम्स की तो स्ट्रैटेजी सेम ही थी मेरी, मैं कुछ ऐसे 50 मॉक पेपर करके चले जाती थी हर एक इंस्टीट्यूट के. बिकॉज क्या होता है जब हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के कर रहे होते हैं ना, तो वी टेंड टू गेट द हैंग ऑफ इट, उनका पैटर्न समझ आ जाता है, तो उनकी आंसर्स भी समझ आ जाते हैं कि कैसे आंसर्स होंगे. व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ पेपर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस तो आपको वो समझ नहीं आ पाता प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट. तो मैं बहुत सारे प्रीलिम्स के पेपर करके जाती थी एंड मेंस के टाइम पे भी मैंने दोनों मेंस में कम से कम 30-30 पेपर लिखे हैं और चेक करवाए हैं, इवेलुएट करवाए हैं. तो मुझे लगता है इन दोनों स्टेजेस में सबसे ज्यादा रोल जो इंस्टीट्यूट का है वो है इवैल्यूएशन एंड दिस मॉक पेपर्स एंड मॉक थिंग. अगर कोई बच्चा कोचिंग लेता है नहीं लेता है फर्क नहीं पड़ता, बट ये मुझे लगता है जो ये इवैल्यूएशन फेज है ना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लस ऑब्वियसली जो मतलब बच्चे मेरे को लगता है कोचिंग लेते हैं, थोड़ा सा उनको ये फायदा एज हो जाता है कि उन्हें कुछ कुछ चीजें अपनी गलती से नहीं सीखनी पड़ती, वो किसी और की गाइडेंस से सीख सकते हैं. बट कोचिंग का भी फायदा तभी होता है जब बच्चे अच्छे से उसको पहले थोड़ा होमवर्क करके कोचिंग में जाएं. अगर वो ऐसे ही बस चले जाएं क्लूलेस होके तो मुझे लगता है फिर वो वेस्ट कर देंगे जो उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज कोचिंग से मिलने वाला होगा ना. बिकॉज कोचिंग वाले आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर द दे प्रिपेयर द नुआंसेस एंड द निटी ग्रिटीज एंड द जो उसकी फिनिस लाने के लिए, बट जो बेसिक है वो तो बच्चे को खुद ही करना है. तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कोचिंग का भी वेस्ट ही हो जाता है. तो ये तो हो गया प्रीलिम्स और मेंस. इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने इस बार? सर इस बार मैं मतलब आई वाज इस बार ही मैंने आई डिड नॉट प्रिपेयर टू मच फॉर द इंटरव्यू बिकॉज आई वाज मतलब आई डिड वांट टू I don't want to go very monotonous on it and मैंने भी देखे अपने marks, so मेरे को 170 मिले हैं personality test में, but I don't think they are very good कि मुझे उन पे comment करना चाहिए how to go about a personality test. But I don't know sir, personality test भी थोड़ा सा मतलब dicey होता है. I don't know what works and what doesn't work because clearly मेरा interview काफी अच्छा हुआ था मेरे हिसाब से. The line of questioning was very very good, मतलब मुझसे बहुत opinion based questions पूछे थे and they were questions which required a lot of reasoning, thinking. तो मतलब they were not questions कि आप ऐसे ही answer कर दोगे. तो मेरे को I was very very satisfied regardless of the fact कि मुझे कम marks. List out some questions कि कैसे सारा environment था. सर आई वेंट इन साइड फाइव पीपल, दिनेश दासा सर का बोर्ड था एंड मेरे से क्वेश्चन पूछे थे. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑन ईवीएम कि वेदर दे आर टैम्परेबल और नॉट एंड वॉट इज योर ओपिनियन ऑन इट, शुड वी गो बैक टू बैलेट पेपर और नॉट. देन देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन माई ओपिनियन ऑन कास्ट सेंसिस. देन मेरा क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड था तो दे वर ऑल्सो आस्किंग मी अबाउट की what do you think about corporate governance, is the talk and the walk of corporate governance same. Then they asked me because I was a serving KS officer also, so they were asking ki, do you think that the corruption that happens on the lower levels wo hoti hai abhi bhi, and as an officer aapka kya take hai, how do you work on it, how do you see it. And so then there were questions on Jammu and Kashmir, ki Jammu and Kashmir ka youth jo hai, are they satisfied post the abrogation of Article 370. So sir, they were very like questions jinke matlab it required some understanding and matlab khud bhi kisi ko agar ye samjhana ho to it has various matlab perspectives to it.
तो मुझे लगता है आई हैड अ होल फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू आई नथिंग बेटर देन दिस कुड हैव हैपेंड टू मी. ठीक है. I would like to ask you about the resources. ये बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने पूछा because अभी भी अलग अलग टॉपर्स अलग अलग resources का पूरा conflict है उसमें, तो थोड़ा अगर आप उसमें गाइड कर ले प्री और मेंस के लिए. सर मैं तो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स तो लक्ष्मीकांत एंड ये वो सबको पता ही है. प्रीलिम्स के लिए तो सर मैं अगेन सर मैं ये बच्चों को पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, डू नॉट फॉलो मी और एनी टॉपर ब्लाइंडली, बिकॉज हर एक बच्चे का ना अलग होता है. इसीलिए मैं किसी को ना ऐसे मतलब ऐसे राइडर लगा के बोल देती हूँ, किसी को आउट राइटली नहीं बोलती कि ये दिस वुड वर्क. जैसे मेरे ब्रदर और मेरी स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट थी सर. वो क्या करते थे, वो नोट्स बनाते थे, मतलब वो हर एक चीज के नोट्स बना लेते थे और वो एंड तक उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहते थे. He would not write mock papers. He would not do much. मतलब prelims में भी इतने marks नहीं लगाते थे. He would just have his own. उसने books पढ़ के उनके concise notes बनाए थे. He would keep revising them. 50 times revise करेंगे. मैं ऐसी हूँ, मेरे को revision करने की आदत नहीं है. मुझे नए नए sources पढ़ने की आदत है. तो मैं सब कुछ ही पढ़ लेती थी. मतलब मेरे को हर बार कुछ नया पढ़ना है वरना मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. तो ये बहुत एक डिजास्टर्स स्ट्रैटेजी है वैसे इस एग्जाम के लिए, ना रिवाइज करना और नए नए सोर्सेज से पढ़ते रहना, बिकॉज देन यू रिलाई टू मच ऑन योर ब्रेन टू रिमेम्बर इट. बट सर तभी मैं बोलती हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए. तो मेरे कोई सोर्सेज नहीं थे प्रीलिम्स के लिए. मैं 50 पेपर करती थी और उनके सारों के आंसर पढ़ लेती थी. उनमें से मैं थोड़े से नोट्स बना लेती थी कि ये लास्ट में चीजें हैं जो मैं रिवाइज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल कुछ करंट का क्वेश्चन है उसमें, जैसे कोई जीआई टैग्स है तो मैं लिख लूंगी कि ये जीआई टैग है, ये स्टेट के हैं, वो एक बना के रख लिया. उन 50 पेपर से ही मैं अपना करंट भी कवर करती थी, स्टैटिक भी कवर करती थी, बिकॉज मैंने पहले स्टैटिक बुक्स अच्छे से पढ़ी हुई थी. बिकॉज मेरे को रिविजन की आदत नहीं है तो मैं पीटीज नहीं करती थी, क्योंकि पीटी करने का भी फायदा तभी है जब आप उनको रिवाइज करो. और मैं रिवीजन में तो हालत थोड़ी ऐसी है, तो फिर मैं उनको लिख लेती थी और लास्ट में वो जो मैंने करंट के भी जैसे उसमें से कुछ निकाले होते थे मैं उनको रिवाइज कर लेती थी लास्ट में पेपर से कोई दो दिन पहले ऐसे. बट दिस इज नॉट अ गुड, मुझे ऐसे लगता है दिस इज नॉट गुड. और मेंस के टाइम पे भी सर जो मैंने अपने एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स थे वो 5-6 स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनसे बनाए हैं सर. वो इतने पहले मतलब मैंने शायद 2020 में बनाए थे और सर मैंने एक बार पढ़ी है वो बुक, सिर्फ एक बार पढ़ी है. तब के वो मैंने लिखे हैं, इसलिए मुझे बुक्स के नाम भी याद नहीं है, क्योंकि मेरे को पहले ही पता था कि और किसी के लिए नहीं बट मेरे को अपने ऑप्शनल के लिए तो नोट्स की जरूरत होगी. एंड आई ऑलवेज अर्ज एवरी स्टूडेंट कि वो एटलीस्ट अपने ऑप्शनल के नोट्स ना खुद बनाए, बिकॉज मेरे को सब लोग बोलते रहते हैं कि पीडीएफ सेंड कर दो, आप पीडीएफ सेंड कर दो, बट मेरे नोट्स ना किसी और के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे. मुझे क्या चीज ज्यादा समझ में आती है मैंने उसको कॉन्साइज में लिखा होगा, और जो चीज मुझे कम समझ आती है मैंने उसको डिटेल में लिखा होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. तो मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ाई हुई है तो आप उसको जाके पढ़ो, नोट्स खुद बनाओ, बिकॉज नोट्स एक ऐसी चीज है ना दैट्स वेरी पर्सनल एंड डियर टू योर सेल्फ. जैसे मैंने बोला मैंने 2020 में बनाए थे सर, मैंने उसी के बेस में दोनों पेपर निकाले हैं, यूपीएससी का भी और इस बार यूपीएससी में जैसे एंथ्रो का भी थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस मतलब इट वाज मतलब पेपर भी बहुत डाइसी आए थे. तो अगर आई कुड क्लियर इज बिकॉज मैंने वो नोट्स बड़े अच्छे से प्रिपेयर किए हुए थे और मैंने बहुत अच्छे से मतलब उनको अंडरस्टैंड किया था, बिकॉज दे वर माय नोट्स, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बनाए थे, मुझे पता था मैंने कहाँ से क्या उठाया, मुझे उसको कितनी वेटेज देनी. तो सर बुक्स सबको पता है, सब बच्चों को सारी बुक्स पता है कि कौन सी बुक्स हैं, जस्ट उनको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी टू ट्वीक कि व्हाट वर्क्स फॉर देम. और उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा पढ़ के थोड़ा इधर उधर से, पर नोट्स बना लेने चाहिए. ऑप्शनल खुद करा था आपने या आपने कहीं से पढ़ा था वो? नहीं सर मैंने खुद पढ़ा है, बिकॉज मैं सर थोड़ी सी इसेंट्रिक हूँ. मतलब मेरे को ऐसे थोड़ा सा लगता है कि मैं खुद करूँ सब कुछ अपने हिसाब से, तो मैंने खुद ही करा था. बट मैंने पढ़ाया इसलिए यूट्यूब पे, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ डबल एज सोर्ड. जैसे मैंने बोला कि कोचिंग ना लेना भी प्रॉब्लमैटिक है और कोचिंग लेना भी प्रॉब्लमैटिक है. मतलब अगर आप दोनों तरीकों को ठीक से फॉलो नहीं करते, मुझे लगता है मिडिल ग्राउंड ये होता है कि थोड़ा सा बेसिक प्रिपरेशन खुद करो, उसके बाद थोड़ी सी कोचिंग ले लो.
अगर ले सकते हो तो वो आपका टाइम सेव कर देगा. अब जो बच्चे नहीं ले सकते तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे या ऐसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मटेरियल तो बहुत सारा है. बट अगर कुछ बच्चे जो लेना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि उससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा, तो उसका बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है कि थोड़ा सा खुद पढ़ो एंड देन गो फॉर कोचिंग, बिकॉज देन दैट विल शॉर्टन योर जर्नी. अपने अपनी चैनल पे सारा सिलेबस कवर किया है उसका, एंथ्रोपोलॉजी का पेपर वन किया है, बिकॉज आई हैव नॉट मोनेटाइज माय चैनल एंड मैंने जब मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी उससे पहले डाले थे, तो उसके बाद सर आई थिंक परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है मतलब अपने चैनल को चलाने के लिए. वो मेरे को पता नहीं सिविल सर्विसेज रूल्स कुछ है उसके, तो मैंने ना फिर छेड़ा नहीं उसको. वो मुझे अब देखना पड़ेगा कि मतलब क्या है परमिशन लेके प्रॉपर, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा पंगे मतलब नहीं लेना चाहती, क्योंकि फिर वो कभी कभी कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, समबडी माइट फील कि मैंने शायद मोनेटाइज करा हुआ है समथिंग लाइक दैट, तो वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे हाउ इट वर्क्स. ठीक है. अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू हो जाता है बच्चों को, जैसे जैसे प्रिपरेशन में 5-6 महीने हो जाते हैं फिर वो कंपोनेंट्स का लोड पड़ने लगता है, फिर रिवीजन नहीं हो रहा है, तो टाइम कैसे मैनेज करना है और रिवीजन के कैसे स्लॉट्स बनाने हैं? सर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं ना, दे एग्जॉस्ट देमसेल्व्स. जैसे 2 दिन बहुत पढ़ लेंगे तो वो इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि फिर आगे 2 दिन ही पढ़ेंगे. तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट. मतलब अगर आप रोज पढ़ रहे हो, अगर आप रोज 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, दैट्स इनफ. बट रोज पढ़ना चाहिए, बिकॉज एक दिन में ज्यादा पढ़ के आपको कुछ ज्यादा रिट्रीव नहीं होता है या ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है एज कम्पेयर टू रोज पढ़ना. बिकॉज जब आप रोज पढ़ोगे आपका माइंड रोज वर्क करेगा, दैट हेल्प्स. और रही बात रिविजन की, सर मुझे लगता है जो रिविजन होती है ना, वो प्रीलिम से थोड़ी देर पहले और मेन से थोड़ी देर पहले ही करनी होती है. तो उसमें हर एक इंसान की स्ट्रैटेजी अब डिफर करेगी. जैसे मैंने JKPSC के टाइम पे सोचा था कि मैं ऑप्शनल पे फोकस करूंगी और एथिक्स पे फोकस करूंगी, तो मैं ऑप्शनल को अपना 60-70% टाइम दे रही थी उस टाइम पे, वेयर एज इन दिस मेन्स आई हार्डली गेव माई ऑप्शनल 20% to 30% टाइम. That's it. तो वो आपकी प्रेपरेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पहुंचे, प्लस आपकी ईज ऑफ थिंग्स. जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे, एंड नो स्ट्रैटेजी इज बैड. अगर कोई बच्चा ऑप्शनल को ज्यादा टाइम दे रहा है, नो प्रॉब्लम. अगर कोई GS को ज्यादा टाइम दे रहा है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको मार्क्स गेन करने हैं. आप जहां मर्जी से करो, बस यू शुड हैव दैट इन योर हेड कि मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए जहां मर्जी से मिले. जैसे GS थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए बच्चे हमेशा ऑप्शनल के लिए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट है, थोड़ा पता है कि कहाँ से आएगा. बट आई वांटेड टू बेटर कि मेरा रैंक अच्छा हो जाए, तो मैं थोड़ा ज्यादा उसके लिए कर रही थी. बट मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा टाइम ऑप्शनल को अगर 40% टाइम दो, GS को 40% टाइम दो, और मिसलेनियस जैसे एथिक्स इज अ गुड लो हैंगिंग फ्रूट प्लस SA इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, इनको अगर थोड़ा थोड़ा बच्चे पुश करें तो ज्यादा नंबर ले सकते हैं यहाँ से. रिवीजन कैसे करते थे? अच्छा, रिवीजन तो आप करते नहीं थे. तो मैं रिवीजन नहीं करती थी, और ये बड़ी एक ना ये पहली बार सुना है मैंने. हाँ सर, मतलब हाँ, ये तभी मैं किसी, एक्चुअली मेरे को ना मत पूछो सर स्ट्रेटजी के लिए, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे. मेरा ना अजीब सा ही तरीका था पढ़ने का ना, मतलब मैं न्यूज़पेपर भी रोज नहीं पढ़ती थी. लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर को 2-2 घंटे देने चाहिए, 1-1 घंटा देना चाहिए. मैं नहीं देती थी. मैं कोई ऐसे वीक जो वो डेली वाले न्यूज वीडियोस आते हैं ना, वो देख लेती थी. मतलब एक दो देख लेती थी, किसी के भी देख लेती थी. तो मुझे लगता था उससे मेरा सेट हो गया, बिकॉज मेरे को ऑडियो विजुअल मेमोरी से मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है. तो न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे क्या लगता है ना, न्यूज़पेपर में न्यूज होती है, लेकिन जब वो वीडियोस में पढ़ाते हैं ना सर, वो उसका हिस्ट्री भी दे देते हैं, उससे प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी बता देते हैं, उससे एडिशनल उसके टाइप का और क्या न्यूज हो सकती है वो भी बता देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है टॉपिक, एज कम्पेयर टू जितने टाइम में आप एक न्यूज पढ़ोगे उतने टाइम में आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेते. तो आई वॉज वेरी, मैं अपने आप को मैंने बड़ा डिटैच्ड रखा हुआ था इस प्रोसेस से. मेरे को कभी नहीं लगता था कि मुझे ना नॉलेज गेन करनी है,
मतलब नॉलेज तो गेन हो ही जाएगी बाय एनी विच वेज. मेरे को बड़ा क्लियर था कि मेरे को अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है कि मुझे बेस्ट आउटपुट मिले उसमें से. तो नॉलेज तो गेन हो ही रहा है जहां मर्जी से करो, बट उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा. तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, मैं ये वीडियोस देख लेती थी, उसमें से मेरे को बड़े सारे टॉपिक्स मिल जाते थे. और बड़ी बार ऐसा होता था जब मैं जीएस के आंसर लिख रही होती थी ना, मुझे ना उनके ऑडियोज ना सुनाई दे रहे होते थे कि ऐसा बोला है उन्होंने, ऐसा बोला है, तो मैं वैसा ही लिख भी देती थी बहुत बार. तो वहां मुझे लगता है वो सही रहता है. अच्छा, इतने सारे टाइम में केएस देना और केएस के बाद फिर आईएएस के लिए फिर से मोटिवेट होना और फिर से उसमें बैठना, उस रिग्रेस प्रोसेस से जाना, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? सर, दिस इज वन थिंग व्हिच आई टेल एवरीवन कि ये तो खुद ही करना पड़ेगा. मतलब ये है एक चीज जहाँ पे लगेगी मेहनत. एवरीथिंग अदर देन दिस यू विल गेट हेल्प, बट ये एक चीज है जो अगर आपके अंदर नहीं है तो नहीं हो पाएगा. बिकॉज मोटिवेशन सर इज सेल्फ, नो वन गाइडिंग, कोई गाइडेंस बन सकता है आपका, कोई मेंटर बन सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर यू नॉट विलिंग टू टेक दैट हेल्प तो फिर नहीं हो पाएगा. सेल्फ डाउट्स नहीं होने चाहिए. मतलब सेल्फ डाउट्स आते हैं इस जर्नी में, दैट इज फॉर श्योर, बट मोटिवेशन इज वन थिंग सर जो इट्स सेल्फ. अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर मतलब आप नहीं कर पाओगे. हार्डवर्क भी तभी हो पाएगा जब आप मोटिवेटेड हो कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. मतलब बैक इन दीज 3-4 इयर्स व्हेन आई वाज वर्किंग, मतलब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आई हैव नॉट गॉन टू एनी वेडिंग्स, आई हैव नॉट गॉन टू एनी पार्टीज, आई हैव नॉट सोशलाइज्ड विद पीपल, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग. नॉट टू से कि जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अगेन सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. मैं भी घर बैठ के कुछ बहुत नहीं कर रही थी, लेकिन एटलीस्ट मुझे था कि यार आई वांट टू डिटैच माय सेल्फ फॉर सम टाइम, बिकॉज मैं अगर इन चीजों में रहूंगी तो एक डिस्ट्रैक्शन होती रहेगी मुझे. तो मेरा बहुत क्लियर कट था कि आई लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स अलोंग द वे बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग अप विद देम, बट दिस इज अ प्राइस वी पे फॉर. मतलब आई थिंक, बाकी मुझे नहीं पता, बच्चे करते हैं, बैलेंस करते हैं लोग, और वो करना चाहिए मुझे लगता है, बट सर कुछ डिस्ट्रैक्शन तो होती होगी मेरे को लगता है. तो इन इयर्स में मैंने तो अपने आप थोड़ा सा डिटैच्ड रखा. सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया था? हाँ सर, मैं वैसे भी इतना सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी, और इस जर्नी में आते आते तो मैं एज अ पर्सन ही ट्रांसफॉर्म हो गई. जैसे जो हमें, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, मतलब अगेन इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहती कि आप मत यूज करो सोशल मीडिया या व्हाटएवर, बिकॉज वो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं सबकी. इफ यू कैन बैलेंस इट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा तो सर मतलब काफी कम हो गया. मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से एंथ्रोपोलॉजी कैसे पहुंचे आप, और ऑप्शनल चुनने का क्राइटेरिया क्या था? सर इट वाज अ वेरी फनी थिंग. मतलब पहले हमने, जब मैं मास्टर्स में गई तो उस समय, एज आई टोल्ड यू, आई वाज, मेरे ब्रदर की सिलेक्शन हो गई थी, तो मैंने अपना मास्टर्स का सब्जेक्ट ऐसे लेने की कोशिश करी जो मैं अगर आगे कभी पेपर दूंगी तो उस हिसाब से. तो दैट टाइम वी वर थिंकिंग इकोनॉमिक्स कुड बी अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बिकॉज मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ था और मुझे अच्छा लगता था एज अ सब्जेक्ट. बट जब हमने इकोनॉमिक्स करी, मास्टर्स में आकर मैंने करी, तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये ऑप्शनल तो नहीं बनता, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. दैट टाइम माई ब्रदर ऑल्सो वॉन्टेड टू अपग्रेड हिज रैंक, was trying for that. तो उनका ज्योग्राफी था पहले, तो ज्योग्राफी के साथ उनको लग रहा था कि उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाया था, तो ही वॉन्टेड टू चेंज एंड ही थॉट कि एंथ्रोपोलॉजी से अच्छा स्कोर आता है. तो उन्होंने स्टार्ट करा, बट देन क्या हुआ कि वो ना कंप्लीट नहीं कर पाए, ट्रेनिंग में थे एंड ही कुड नॉट. उन्होंने एक बार पेपर दिया ज्योग्राफी से, ही क्लियर्ड अगेन यूपीएससी. उसके बाद उनको दो बार देने के बाद लगा कि नहीं हो पा रहा, तो ही चेंज्ड, बट वो उनके बाद दे नहीं पाए पेपर. तो ही टोल्ड मी इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, यू टेक इट. तो बस सर उन्होंने बोला कि आप एंथ्रो से कर लो, तो मैंने सोचा चलो एंथ्रो से कर लेते हैं. इट वॉज नॉट माई डिसीजन, बट आई बिगिन टू लाइक इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कभी लाइफ में, एंड दिस इज ऑल्सो लर्निंग फॉर ऑल हु आर वॉचिंग, लाइफ में कभी कभी कुछ डिसीजन हम अपनी चॉइस से लेते हैं, कुछ डिसीजंस हम नहीं ले पाते अपनी चॉइस से, बट देन उनपे स्टिक करना वो हमारी चॉइस होती है. जैसे अगर मेरे केस में, मेरे को शायद सोशियोलॉजी लेना था,
बट मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि आप एंथ्रोपोलॉजी, तो मैंने उनकी बात मान ली, बट देन आई हैप्पीली एक्सेप्टेड इट एंड वर्क टूवर्ड्स इट कि मेरा जैसे बायोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं तो, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. कभी कभी हम लाइफ में कुछ कर लेते हैं, हमको उसके साथ स्टिक करना चाहिए एंड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हैप्पीली वर्क करना चाहिए रादर देन थिंकिंग कि हमारे साथ ये गड़बड़ हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया. मैंने अगर उसको एक्सेप्ट किया तो मैंने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सर. उसके बाद वो सब्जेक्ट मेरे को, इट इज ऑल्सो वन थिंग जो जिसने मेरी लाइफ ऑल टूगेदर, मेरा पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स वर्ल्ड चेंज कर दिया है. इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट. ओवर द टाइम प्रिपरेशन में मेजर जो चैलेंजेस आपको दिखे वो क्या थे? सर वो सेल्फ डाउट्स ही होते हैं मेरे हिसाब से. मेजर चैलेंज मेरे लिए तो वही रहा, बिकॉज व्हेन यू नॉट सीइंग सक्सेस ना, देन इट यू स्टार्ट टू गेट अ लिटिल डिसओरिएंटेड. आपको थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगता है, यू स्टार्ट डाउटिंग योर पोटेंशियल. जैसे मेरे केस में मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो आई ऑलवेज न्यू दैट इफ दिस डजंट हैपन ही विल गो बैक टू हिज स्ट्रीम एंड ही विल डू समथिंग इन लाइफ. बट इन माय केस आई हैड अ वेरी, मतलब मेरा कॉमर्स था, फिर उसके बाद मास्टर्स इकोनॉमिक्स में, बस कोई भी मास्टर्स के बेस पे ऐसा कुछ नहीं था जो एक ऐसी जॉब जो मैं अपने लिए चाहती थी, वैसा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं. तो मैं उस टेंशन में बहुत ज्यादा रहती थी कि अगर ये नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो वो एक सेल्फ डाउट हमेशा रहता था. बट फिर मैंने कभी उसको इतना भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मतलब वो मेरी परफॉर्मेंस को खराब करे. बट डेफिनेटली सर मेरे प्रीलिम्स में तो बहुत झटके खाए हैं एंड दैट हैज हम्बल्ड मी अ लॉट. मैंने दो ही मेंस दिए हैं, दो ही इंटरव्यूज दिए हैं और दोनों मैंने दोनों पेपर क्लियर किए, लेकिन मैंने कोई 3-4 प्रीलिम्स फेल करे हैं. तो उसने तो मुझे बड़ा, मतलब थोड़ा ऐसे, सीसैट मैंने फेल करा सीसैट की वजह से, वो भी एक बड़ा हम्बलिंग मोमेंट होता है जब आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर ला रहे हो एंड सीसैट से आप रह रहे हो. तो मुझे लगता है ये थोड़े से चैलेंजेस थे, बिकॉज जो बच्चे प्रीलिम में बाहर हो जाते हैं ना सर, देन देयर इज अ 1 ईयर का गैप, तो वो 1 ईयर ना वो बच्चे ना वेस्ट कर देते हैं. वो एटलीस्ट 6-7 months वेस्ट कर देते हैं और दैट इज वेयर दे, मतलब फिर से वो फंस जाते हैं उस विशेष साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हो पाता, फिर वो टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो इन्हीं बच्चों की मैं बोल रही हूँ, चाहे आप दिन में 4 घंटे पढ़ो 5 घंटे पढ़ो, बट 1 साल अगर आप रेगुलरिटी से इतना पढ़ोगे ना, आप नहीं फेल होंगे, मतलब आपका प्रीलिम्स निकलेगा. क्योंकि असली मेहनत जो मेंस की है ना सर, वो मेंस टाइम में होती है, वो उन 2-3 महीने में ही होती है. उससे पहले तो बस अपने आप को आप बस पढ़ाई के साथ वो रखते हो, you just continue yourself with studies, मेरे को ऐसा लगता है. मतलब तो मैं पूरा 1 साल अगर मैंने रेगुलरिटी से अपना 5-6 घंटे रोज पढ़ना होता था, इतना ही पढ़ती थी मैं तो, मैं लेकिन रोज पढ़ती थी, छुट्टी नहीं करती थी कभी कि मतलब 3 दिन पढ़ लिया तो 2 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं मैंने कभी किया. पूरे साल पढ़ा और मेंस टाइम्स में बहुत मेहनत करी, सुबह 6 बजे से बैठ के रात को 12-12 बजे तक पढ़ी. बट वो सिर्फ दो महीने का ही होता है, उससे पहले तो बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उस टाइम यू सो, आपका एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा होता है कि यू आर सो प्रेप्ड अप कि दिस इज माय चांस एंड आई विल नॉट लेट इट गो फ्रॉम माय हैंड. तो वो आप नहीं कर रहे होते, वो होता है बस आपके अंदर से. बाकी टाइम तो आपने बस खींचना है अपने आप को मोटिवेट करके कि हाँ यार 4-5 घंटे दिन का पढ़ना है, वो पढ़ना ही है. बाकी वो 2 महीने निकल जाते हैं सर, वो नहीं पता चलते. इस प्रिपरेशन में लाइफ लेसंस क्या हैं जो आप जिंदगी भर अपने साथ ले जाएंगे? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है हर बच्चे को एक बार यूपीएससी का, मतलब इस एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम इट्स अ होलसम जर्नी. मतलब आप क्या ऐसी चीज है जो नहीं सीखते इसे, एथिक्स, मोरालिटी, अपना ग्रेट डिटर्मिनेशन आप टेस्ट करते हो, आप अपने आप को देखते हो वेदर यू आर अ पॉजिटिव पर्सन नेगेटिव पर्सन, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप लाइफ को मैनेज कैसे करते हो, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पाओगे आप. सर हर एक चीज, हर एक चीज मेरे लिए तो हर एक स्फीयर में लाइफ लेसन्स रहे. मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी तो आई बिकेम मोर कंपैशनेट, मैंने फेलियर्स देखे तो आई बिकेम मोर हम्बल, मैंने इतनी मेहनत करी तो आई अंडरस्टूड माई ग्रेट, मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मुझे समझ आया कि हाउ टू बैलेंस पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ, जब मैंने मेंस लिखे तो मैंने अपनी डिटर्मिनेशन देखी,
प्रिलिम्स लिखती थी तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजाइजिंग नेचर देखी कि हाउ विल आई स्ट्रेटेजाइज इन लाइफ. तो सर आई थिंक आई हैव लर्नड इट ऑल. मतलब द जर्नी विल कंटिन्यू बट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड. द एरियाज ऑफ माय माइंड व्हिच वर नॉट ओपन टू सीइंग थिंग्स आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट दैट. मतलब हम लाइफ को एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं. अब मैं उनको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करती हूँ. अपने आप को लेके थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल हो गई. पहले जैसे हम अपने आप को बोलते ना, हमें हम बड़े इजीली अपने आप को बोल देते हैं ये बढ़िया है ये ऐसा है. नाउ आई एम बिकमिंग मोर हम्बल. आई कैन फाइंड फ्लॉज इन माई सेल्फ. आई कैन टॉक अबाउट देम. आई कैन एक्सेप्ट देम. एंड अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो शायद मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाऊंगी और थोड़ा सा हम्बल हो जाऊंगी. तो आई थिंक अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना भी सीख लिया है मैंने. बिकॉज जब आप इतने फेलियर्स देखते हो तो आप थोड़े से डाउन टू अर्थ हो जाते हो. आई फील दैट. फ्यूचर गोल्स क्या है और अब क्या करना है आगे? सो फ्यूचर गोल्स अब यही है कि नाउ मोस्ट प्रोबेबली आई गेट इनटू आईएएस एंड आई वांट टू वर्क. मतलब अब अगर इस पोजीशन पे भगवान ने मुझे, इफ आई एम द चोजन वन, आई वांट टू आल्सो डू फॉर पीपल. And I hope that मतलब जो मैंने इस जर्नी में जो मेरे अंदर compassion आया है that is used for the better of people, betterment of people, sir. That is sir what I feel. मेरे को इतना कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे personal goals कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. Obviously personal goals भी हैं. मतलब ये achieve करना मेरा personal goal था. इसके आगे जब मैं उस chair पे जाके बैठूंगी, मेरे दोनों parents doctor हैं sir. तो उन्होंने लाइफ में यही सिखाया कि अपनी जो आपसे बन पड़े लोगों के लिए करना. तो मेरे को लगता है सर मैं तो जब नहीं भी थी सर्विस में, मैं इतनी जब मैं फेलियर्स देख रही थी तो मुझे लगा था कि यार मैंने एंथ्रोपोलॉजी में बड़ी मेहनत करी है, मैं ये सब उन बच्चों को दे के चली जाऊंगी जो इसको सही यूटिलाइज कर सकते हैं. तो शायद सर उसी का फायदा मुझे भी हुआ. जो थोड़े बहुत लोग मुझसे जुड़े उस जर्नी में सब मुझे बोलते हैं कि आपके वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं. तो सर मुझे लगता है उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं. सो इफ आई डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन आई विल बी ब्लेस्ड. हाउ वाज योर इनिशियल रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन यू चेक द रिजल्ट? सर मेरी फैमिली थोड़ी सी मतलब कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है मुझे लेकर. उनको लगता है पता नहीं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, पता नहीं क्या करूँ. तो इट वाज नॉट अ शॉकर फॉर देम बिकॉज उनको लग रहा था कि मैंने तो हो ही जाना है. तो मैं उनको हमेशा बोलती थी नहीं ऐसा नहीं होता है, एग्जाम बहुत टफ है, बहुत ऐसा है. बट उनको हमेशा लगता था कि मैं कर लूंगी. तो दे आर वेरी हैप्पी. आई एम हैप्पी दैट आई डोंट हैव टू गो थ्रू द साइकिल अगेन. फॉर दैट आई एम हैप्पी. But apart from that, sir, everything is normal, perfectly normal. See, my last question to you is कि आप quintessence कब आएंगे और हमसे कब मिलेंगे? Sir, anytime, whenever you call me, I'm there. See, thank you so much. आपने इतना time दिया and it was a wonderful session. हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप और life में आगे जाए और जो impactful nature है आपका वो लोगों को दिखे भी और उससे फायदा भी उठाए. Thank you, sir. To all the viewers who are watching this, I think sir has been a great, a big motivation and inspiration. You came to my life at the time when I wanted this little nudge and push ki beta, you're doing great. And I think aapne wo mere liye kiya hai. And mere parents aapke liye hamesha bolte rehte hain ki you gave me that little nudge jo chahiye hota hai. Because jab aapse mili thi us samay mere टीम में कोई भी अचीवमेंट्स नहीं थे. दैट टाइम सेइंग इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. आज तो मुझे सभी बोल देंगे कि नहीं प्राजिता यू डूइंग ग्रेट एंड यू वुड, हमें सबको पता था तू ऐसा कर लेगी. बट जो उस टाइम पे बोलते हैं, जो उस टाइम पे एक लिटिल पुश बच्चों को चाहिए होता है ना, वो एक थोड़ी पॉजिटिविटी, अ रे ऑफ होप आई थिंक. एंड नॉट ओनली मी सर, इट गोज टू योर क्रेडिट कि आपने जितने बच्चों के इंटरव्यू लिए अच्छे दिए, उन्होंने आप इतने स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था, आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, आपने सबको बहुत मोटिवेट किया, राइटली मोटिवेट किया. जहाँ पे जरूरत थी थोड़ा बहुत उनको समझाने की, समझाया. और जहाँ पे वो अगर 180 थे तो आपने उनको 200 करके दिखाया. एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इंटरव्यू के लिए. बस इतनी पॉजिटिविटी चाहिए होती है, बाकी तो
सबने मेहनत करी होती है. तो सर इट गोज टू योर क्रेडिट, प्लीज कीप डूइंग गुड वर्क. एंड बच्चों को भी, जो बच्चे सर से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आई थिंक यू आर अ ग्रेट मोटिवेशन, अ गुड मेंटर. तो मुझे लगता है सर प्लीज आप भी बच्चों को इसी तरह से मोटिवेट करते रहें. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई विल बी वेटिंग फॉर अवर मीट सून इंशाल्लाह. राइट सर, ओके ओके, टेक केयर, बाय. थैंक यू.